हेलो यू ऑल ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता चौहान। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बेस्ट मेकअप बेस फॉर समर। जब भी गर्मी आती है मैं इसको ज़रूर मंगवा लेती हूँ, क्योंकि डेली वेज मेकअप के लिए बहुत ही बेस्ट बेस है। तो वो है ओलिविया का पैनकेक, जो मैं करीबन 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊँ, क्योंकि जब भी गर्मी आती है मुझे ये बहुत ही बेस्ट बेस लगता है, क्योंकि आपको कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर इसको यूज़ करें। अच्छी बात यह है कि 100% वाटर प्रूफ है ये बेस, और दूसरा कि इसकी कवरेज जो है वो भी बहुत अच्छी है। और इसमें टोटल जो है 13 शेड आते हैं। इसमें मेरा जो शेड है वो है नेचुरल हनी शेड, तो आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अपने स्किन की मैचिंग का शेड। स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है, डेली वेज मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है और इसकी कवरेज कितनी है, इसके बाद आपको क्या क्या यूज़ करना है, बहुत लाइट सा मेकअप जो है आप कैसे कर सकते हो इसको। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ हाइड्रेटिंग स्प्रे फ्रॉम NYP। उसके बाद मैं लूँगी मॉइस्चराइज़र फ्रॉम पॉन्स का लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैं ले रही हूँ NYB का ही प्राइमर। तो कोई भी आप मेकअप करो हमेशा प्राइमर लगाओ और एंड अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करो, उसके बाद ही आप कोई मेकअप अपनी स्किन पे अप्लाई करो। एंड अब मैं लूँगी ओलिविया का पैनकेक। तो ये इस पे लिखा हुआ है साफ साफ 100% वाटर प्रूफ। ओके, इस तरीके की पैकिंग में है, और इसके अंदर जो आपको मिलता है एक छोटा सा स्पॉन्ज। आप इसकी जगह आपके पास अगर कोई और हो या ब्यूटी ब्लेंडर हो वो भी यूज़ कर सकते हो। एक बॉल लीजिए, उसको इस तरह स्पॉन्ज को इस तरीके से गीला कीजिए और अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए पैनकेक। तो एक साइड मैंने अप्लाई करके दिखाया आपको, आप देख सकते हो कितनी कवरेज है। इतनी कवरेज डेली वेज के लिए बहुत मतलब इनफ होती है, इतनी कवरेज डेली वेज मेकअप के लिए। अगर आप चाहो तो एक कोट लगाने के बाद दूसरा भी अप्लाई कर सकते हो जब ये ड्राई हो जाए। तो आप देख रहे हो मैंने एक ही कोट अप्लाई किया है और अब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद मैं बहुत थोड़ा सा यहाँ पे लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, इससे थोड़ी सी कवरेज और मिल जाएगी। और अब अपनी आईब्रोज़ को शेप करूँगी। आईब्रोज़ को परफेक्टली शेप कैसे करते हैं इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैं आपको बायो में दे दूँगी। एंड उसके बाद मश्कारा। देखो जल्दी जल्दी, जब मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, फटाफट से आईब्रोज लाइनर मश्कारा। उसके बाद आईलैशेस नहीं अप्लाई करती हूँ, तो इस तरीके से लैशेस रोलर से मश्कारा लगाने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ। तो इससे क्या है, थोड़ा सा लैशेस थोड़ी सी देखने लगती है। तो जब भी अगर आप लैशेस नहीं लगा रहे तो इस तरीके से आप कर सकते हो मश्कारा लगाने के बाद। एंड अब ले रही हूँ NYB का कोल काजल। उसके बाद अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ब्लश ऑन। मैं ये दो शेड मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लेंगे, थोड़ा सा चिन एरिया पे लगा लेंगे, थोड़ा सा चिक एरिया पे, फॉरहेड पे, मतलब जो अलग अलग ना दिखे इसलिए इस तरीके से लगाया है मैंने। तो आप देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी और फटाफट मेकअप हो रहा है।
और अब लूँगी मैं थोड़ा सा हाइलाइटर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो लगाओ, और अगर आप दिन में दिन का मेकअप कर रहे हो तो मत लगाओ, जब भी आप हाइलाइटर लगाओ तो, अगर नाइट का मेकअप कर रहे हो तो ही अप्लाई करो, दिन में नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद लूँगी मैं लिपस्टिक, तो लिपस्टिक लगाने से पहले मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक लगाने से पहले आउटलाइन कर लेंगे थोड़ी सी। तो ये मेकअप मैं नाइट के लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है इसमें। तो लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई है, तो जल्दी वाला मेकअप तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ओके, लिपस्टिक हो गई एंड अब मैं कंप्लीट करूँगी अपना लुक एक छोटी सी बिंदी के साथ। तो आप देख रहे हो बहुत इजी हो गया है और बहुत जल्दी भी हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ओलिविया का पैनकेक, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जब भी गर्मियाँ आती हैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है, आपको भी पसंद आएगा अगर आप बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हो या आपकी स्किन ऑयली है तो। चलिए यहीं तक था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।